एक गलती जो मैंने की थी वो कैब में, स्टार्टिंग में मैं सोचता था कि वो कैब कितने ही नंबर की आती है, 5-7-10 नंबर की आती है, बाकी 190 नंबर में देख लेंगे। पर इनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी जो मैंने बाद में रियलाइज करी कि आप किसी लैंग्वेज को जानना चाह रहे हैं और आप किसी वो कैब शब्द को उससे दूर भर सकते दूर भाग रहे, तो उस शब्द को या वो कैब जब तक आपको उस लैंग्वेज पर पकड़ बनानी है उसके बिना आप कभी भी नहीं बना सकते। वर्ड्स नहीं बताओगे तो आपको आप लैंग्वेज में कैसे एक्सेल कर पाएंगे, तो इस बात की कभी भी भूल मत करना जो मैंने करी। जय हिंद मेरे भाइयों और उनकी बहनों, कैसे हो आप सब। मैं आपका आईसी इंस्पेक्टर ऋषभ मलिक एक वीडियो लेके फिर से हाजिर हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसके लिए मेरे पास काफी टेलीग्राम पे मैसेज भी आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे भी आ रहे थे। और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सदा बाहर के लिए आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इंग्लिश से कैसे उबरना है। जी इंग्लिश बहुत लोगों का फोबिया रहता है, हिंदी मीडियम वाले स्पेशली बच्चों का, मैथ्स बहुत अच्छी होती है, इंग्लिश में बहुत डर लगता है बहुत लोगों को कि जी हम बोल लेते हैं सॉरी लिख लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते अच्छे से, पर पेपर अच्छा कर जाते हैं ऑब्जेक्टिव का। सारी चीजें आज बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले एक लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह से अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कभी भी उस पर कमांड नहीं बना पाओगे। आप सोचोगे कुछ किताबें पढ़ के 3-4 पढ़ गया पेपर शायद निकाल लो, पर ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं ला पाओगे, और अच्छा स्कोर भी लिया है बहुत लोगों को मैंने देखा है तो कभी उस लैंग्वेज में एक्सेल नहीं कर पाओगे। आप लोग जानते हैं इंग्लिश सिर्फ पेपर तक सीमित नहीं है, नॉर्मल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में कितनी ज्यादा आज के टाइम में जरूरी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और मेरा मानना है आप अपनी जो डायलेक्ट है आपका एरिया का, कोई भी आप लैंग्वेज बोलते हो, वो आपके लिए फॉरमोस्ट जरूरी होनी चाहिए और आपको नॉर्मल में उसमें ही बात करनी चाहिए, हमें अपनी उस लैंग्वेज पर प्राउड करना चाहिए। बट एक इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। तो बहुत लोग इसे ये कहते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज को बात करें और बोले चलें, बिल्कुल बहुत जरूरी है, हम भी हिंदी में बात करते हैं, हमारी डायलेक्ट हमारा हमारे साइड का थोड़ा देसी है तो हम उसमें ही बात करते हैं, पर एक इंटरनेशनल लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। और आप उसके लिए एक सस्ता सा ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हम अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, ये बहुत ही ज्यादा भैया रीजन मैं मानता हूं। इंग्लिश लैंग्वेज के पढ़ने के और उस पर कमांड बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं आज सबसे बेस्ट तरीका और जो मैंने अप्लाई किया जिससे कि मैं ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेता हूं, ठीक ठाक वो कैब है और CPU 19 जिसमें मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड था उसमें मेरा 191.25 रॉ स्कोर आया, और CGL 19 में भी 183 पॉइंट समथिंग था, मैं स्कोर कार्ड लगा दूंगा आप लोगों के लिए। बात मैं करता हूं इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे पढ़ा जाए। जैसे SSC का आप कोई भी एग्जाम लो, मेन CGL, CPU में आप देखते हो कितनी ज्यादा उसकी वेटेज है, CHSL में और भी बहुत सारे, अगर मैं PCS UPSC देखूं तो उसमें CSET में कितनी आती है, और ऐसी जगह शायद एक आधी कोई पेपर होगा जहां इंग्लिश का पेपर ना लिया जाता हो, आपका स्किल्स टेस्ट ना किया जाता हो, उसकी नॉलेज टेस्ट ना की जाती हो, तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल लाइफ से छोड़ के भी अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। बेसिकली 3 पोर्शन रहते हैं किसी भी आप एग्जाम की बात करो, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब। सबसे पहले मैं ग्रामर की बात करता हूं। ग्रामर बहुत लोग ग्रामर पढ़ते हैं, नए नए हिंदी मीडियम के बच्चे आते हैं जिनकी कमजोर है वो आते हैं, हम भी आए जब हमने भी पढ़नी स्टार्ट करी, तो आप देखोगे ग्रामर मैं बहुत छोटा सा पार्ट मानता हूं इंग्लिश लैंग्वेज का। लोगों को लगता है आपने ग्रामर पूरी पढ़ ली, रूल्स जान लिए तो आप इंग्लिश पे कमांड बना लोगे, पर आप देखते हो रूल पढ़ा था वहां पे जाके पता चला यहाँ पे रूल फेल हो रहा है, यहाँ पे रूल लग नहीं पा रहा, फिर आप कहते हो रे, क्योंकि ये लैंग्वेज है, मैथ्स नहीं है कि ये फॉर्मूला फिट है तो आंसर निकलेगा ही निकलेगा 100%। लैंग्वेज यही तो लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ग्रामर बहुत लोग आप जानते होंगे, देखते होंगे, पढ़ लेते होंगे, पर तब भी स्कोर नहीं आ पाता। और बहुत लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो ग्रामर नहीं जानते, रूल्स नहीं जानते, बट आप कभी उनसे इंग्लिश बोलोगे, इंग्लिश अच्छी लिख लेते हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे तो बता देंगे ये, वो कैसे बताते हैं, क्योंकि जो उनकी रीडिंग स्किल्स है ना वो बहुत अच्छी होती है। रीडिंग स्किल्स से मेरा क्या मतलब है, यहाँ पे उन्होंने रीडिंग हैबिट जो होती है इंग्लिश की वो शुरू से कर रहे हैं और काफी टाइम हो गया, जिससे एक सेंस जो होता है लैंग्वेज का वो डेवलप हो रखा है उनके अंदर, चाहे वो नॉवल पढ़ते हो, चाहे किताब पढ़ते हो, चाहे कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, उससे जो सेंस डेवलप हुआ है वो उनको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करता है और चीजें पता करने में। ग्रामर ना जानते हुए मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं आप मेरी बातों से एग्री करेंगे इस बात पे। पहले मैं ग्रामर को बात करता हूं क्योंकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, बहुत सारी किताबें भी रखी हैं। ग्रामर कोई भी नया बंदा आए
कोई भी बंदा पढ़ना स्टार्ट करे तो नीतू सिंह सब जानते होंगे, एसएससी की फील्ड में जो भी है इंग्लिश जो पढ़ते हैं सब जानते हैं नीतू सिंह मैम कौन है। उनकी वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू किताब आती है बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में, सरल जिसे कहेंगे, इंग्लिश में हिंदी में ग्रामर उसमें अच्छे से समझाई गई है जितनी आपको जरूरी है। मेरे पास अभी वो है नहीं पढ़ना, पर वो सब जानते हो किताब कौन सी है, तो आप उस किताब से ग्रामर अपनी कर सकते हैं। पहली बार में हो सकता है आप पूरी सेटिस्फाइड ना हो पढ़ के कि मुझे थोड़ा थोड़ा आया थोड़ा थोड़ा आया, तो दो तीन चार पांच रिपीट करें और रिवाइज करें उस चीज को। उसके बाद जो सबसे ज्यादा दिक्कत करता है लोगों को ग्रामर के बाद, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर थोड़े अच्छा पैसे आ जाए थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाए, आप कैट वगैरह में देखते होंगे एसएससी में थोड़ा छोटा आता है पर उसमें कैट वगैरह बड़ा आता है, क्लोज टेस्ट बहुत लोगों की दिक्कत होती है, क्लोज टेस्ट क्या पीक्यूआरएस जिन्हें जंबल वर्ड कहते हैं उसमें दिक्कत होती है, लोग कहते हैं इसे कैसे करें। मैं देखता हूं आधे यूट्यूब पर नहीं लोग उनके रूल बना रहे हैं, पीक्यूआरएस रूल से होंगे, मुझे हंसी आती है देखते। वो सबसे सस्ता और सबसे वाहियात तरीका होता है करने का, जुगाड़ देखने का, और जिसे नॉलेज नहीं होती उसे लगता है ऐसा है, फिर वो जब फेल होता है तो पता चलता है। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपने रीडिंग अच्छी की हुई, आपको समझ है लैंग्वेज को कैसे पढ़ा जाता है, उसमें से कैसे आउटपुट निकाला जाता है, क्या वो कहना चाह रहा है, तो पीक्यूआरएस आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। मैं आपको ट्रस्ट नहीं बातों को जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा, रूल वूल कुछ नहीं होता, मैथ्स नहीं है रूल, आपने देखा कई जगह फेल भी हो जाते हैं। तो लैंग्वेज को पढ़ने का सही तरीका रूल आपको जानने हैं जो जरूरी है, पर रीडिंग कैसे करें आप, क्लोज टेस्ट अपने कैसे सही करें, कॉम्प्रिहेंशन सबसे आप कैसे सही करें, और पीक्यूआरएस आप सबसे अच्छे से कैसे करें, एक बार आपका वो सेंस डेवलप हो जाएगा तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। रीडिंग अब आपको कैसे सही करनी है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप रीडिंग में आप कहोगे मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, सबसे सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज की कुछ किताब नॉवल या कोई मैगजीन उठाओ। अब आप कहोगे बोर होते हैं पढ़ने में, ये एक्सक्यूज देना बंद करो, उसे इंटरेस्ट से पढ़ो, आपको इंग्लिश पढ़नी तो आती है, समझ नहीं आ रही मत पढ़ो मत समझो, आप रीडिंग लगाओ। जैसे कि मेरे पास यहां पे कुछ मेरे मैं नॉवल पढ़े हुए हैं, जैसे एक नॉवल है ये अनुज धर का, और प्राइम मिनिस्टर इज डेड, मैंने दो तीन नॉवल जो मैं पढ़ मैं मतलब पढ़ जो मैं पढ़ता हूँ नॉवल उसमें मैं दो तीन उठा के लिया है कि मोसाद का है ये हिमालयन ब्लंडर करके जेपी डालवी की किताब है, तो मैं थोड़ा शौकीन है, हालांकि ये थोड़ी इसमें टफ लैंग्वेज है, शौकीन हूँ थोड़ा नॉवल पढ़ने का और इंग्लिश लैंग्वेज का। तो आप सबसे इजिएस्ट नॉवल ये शेक्सपियर वगैरह मत जाना जो बिल्कुल सरल भाषा में हो, उसे उठाओ और रीडिंग स्टार्ट करो, समझ में नहीं आ रहा मत समझो। जब आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, एक महीना दो महीना आपको पता चलेगा, तो आपके अंदर सेंस डेवलप होगा लैंग्वेज का। यहाँ न्यूज़पेपर भी रखे हुए हैं, मेरे स्कोर में और मेरे इंग्लिश में सबसे बड़ा हाथ किसी किताब का नहीं है और किसी नॉवल का नहीं है, सबसे बड़ा हाथ इसका है, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर आज भी करंट अफेयर से भी जुड़ा रहता है, और एक अच्छी हैबिट है मेरी, डेढ़ दो साल पहले स्टार्ट हुई थी जो आज तक कंटिन्यू है। ये द हिंदू रखा होगा आप देख रहे होंगे, द हिंदू, कोई भी नया बंदा जिसकी इंग्लिश थोड़ी वो है वो कभी भी द हिंदू को ना ले गया है, न्यूज़पेपर पढ़ना है आप, टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हो, उसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी है इसके मुकाबले, आप उन्हें पढ़ना स्टार्ट करो, आपके करंट अफेयर्स में बहुत सहायता होगा, नॉर्मल इंडिया में आपकी सोसाइटी में आपके स्टेट में क्या चल रहा है वर्ल्ड में क्या चल रहा है आप उससे बहुत ज्यादा वाकिफ रहोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अलग ही रहेगा और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। इंग्लिश कैसे होगी, आप एक महीना मत देखना कि मैंने एक महीना पढ़ा कुछ समझ नहीं आ रहा ऊपर से चला जाता है, दो तीन महीने प्रैक्टिस हो करके देखना, उसके बाद आपको पता चलेगा इंग्लिश में आपका क्या ड्रास्टिक चेंज आया है, जो सेंस डेवलप होगा ना आपको समझ में आएगा सामने वाला क्या क्या रहा है, लैंग्वेज कैसे मूव होती है, कैसे लैंग्वेज अपने आप को टर्न करती है, क्या वो कहना चाहता है, कहां पे कैसे यूज होता है, ये आपको आंसर राइटिंग में इतनी हेल्प करेंगे कि आपका आंसर नॉलेज के बावजूद, कई बार लोगों का नॉलेज के बाद भी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं हो पाती क्योंकि उन्हें अपना वो लैंग्वेज में लिखने का और सही तरीका नहीं पता होता। आपके आंसर राइटिंग अब तो टीयर 3 सीजीएल में चला गया, पर अगर आप यूपीएससी देने और पीसीएस देने आंसर राइटिंग में इतना फर्क पड़ेगा जिसकी कोई बात नहीं, वो कैप भी है ना, वो कैप में तीसरे पार्ट में बात करूंगा। तो आप ये रीडिंग स्टार्ट जरूर करें, आप जो किताबें पढ़ रहे हैं नीतू सिंह बताइए उसके साथ साथ एक घंटा रीडिंग डेली करें, डेली कुछ हो ना हो दिन में एक घंटा रीडिंग जरूर करें, और कोई भी ऐसे नॉवल पता चलते हैं नॉवल सबसे हल्का लेके आओ, पहले लोगों से पता कर लो बिल्कुल, जैसे मैंने कुछ दो तीन नॉवल आपको दिखाई है ये मेरे पढ़े हुए हैं, पर इससे भी इजी लैंग्वेज में हो जो आपके इंटरेस्ट का हो वो पढ़ लो, और अगर नॉवल भी नहीं पढ़ते तो मैं कहूंगा न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदू स्टार्टिंग में मत उठाओ, इजी लैंग्वेज उससे हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस भी मत उठाना। आप जब दो तीन महीने कर लोगे आपका जो सेंस डेवलप होगा तो आप खुद कहोगे कि मुझे इंग्लिश में मजा आने लगा है, जो पीक्यूआरएस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ये सब है ये सब कुछ नहीं बचेगा आपके सामने। तीसरे में पार्ट पे आता हूं वो कैब,
वोकैब के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं, ब्लैक बुक आती है, प्रीवियस ईयर आती है, जो जो एसएससी में आई हुई है, बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर वोकैब जरूर देखना। बट प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको ये देखना होगा कि आपने 2000-3000 वर्ड रट लिए। हाँ, आप जैसा करते हैं इसका मतलब ये, इसका मतलब इसका मतलब, आप सुबह शाम करते हैं और आपने वो 3000 वर्ड रट लिए, मैंने मान लिया। उसके बाद भी आप गए एसएससी में, आपने हो सकता है सारी वोकैब भी कर ली, बट उसका फायदा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म किसी वोकैब को, यानी कि जैसे जैसे हम शब्दकोश कहते हैं किसी भी लैंग्वेज का, वो रटने से काम नहीं होता। ऑब्वियसली किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए उसका शब्दकोश वोकैबुलरी बहुत जरूरी है, बट उसे रटने से काम नहीं होगा। जब तक आपको उसको यूसेज नहीं पता चलेगा, आप लिखित में उस वोकैब का यूज नहीं कर पा रहे, लिखने में आप बोलचाल में उस वोकैब का यूज इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उसका फायदा क्या? हाँ, कोई सामने से आपको पूछेगा भाई इसका क्या मतलब है, तो आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा हाँ ये तो मैंने रटा हुआ था फलाना बुक से, तो एकदम बता दिया। थोड़े टाइम के लिए वो अच्छा है, बट वो सही तरीका नहीं है पढ़ने का। एक गलती जो मैंने की थी वोकैब में, स्टार्टिंग में मैं सोचता था कि वोकैब कितने ही नंबर की आती है, 5-7-10 नंबर की आती है, बाकी 190 नंबर में देख लेंगे। पर ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी जो मैंने बाद में रियलाइज करी, कि आप किसी लैंग्वेज को जानना चाह रहे हो और आप किसी वोकैब शब्दकोश से दूर पड़ सकते, दूर भाग रहे हैं, तो उस शब्दकोश या वोकैब जब तक आपको उस लैंग्वेज पर पकड़ बनानी है, उसके बिना आप कभी भी नहीं बना सकते। वर्ड्स नहीं बताओगे तो आपको, आप लैंग्वेज में कैसे एक्सेल कर पाएंगे? तो इस बात की कभी भी भूल मत करना जो मैंने करी थी। एक बुक देख रहे होंगे आप, ये एसएससी की है, एमबी पब्लिकेशन की, बहुत लोगों ने देखी होगी, अब तो मेरे पास ये पुरानी पड़ी है, अब तो नई पब्लिकेशन में आ गई, ये प्रीवियस ईयर है, तो इसमें वोकैब्स भी हैं एसएससी की, पुराने सारे पेपर्स हैं, तो आप ये जरूर करें और वोकैब्स इसमें से कर सकते हैं। जो एसएससी है वो तो देखनी देखनी है, ये आप देख रहे होंगे, इसमें क्रिस्टोफर सर की है मास्टरपीस, इसमें भी एक बीएमडब्ल्यू भी करके आती है शायद, हाँ ये रही बीएमडब्ल्यू भी एक पड़ी हुई है। अगर देखा जाए ये पूरी, इसमें सारी एसएससी सीडीएस जहां जहां भी जो भी एग्जाम हुए हैं सारी प्रीवियस ईयर वोकैब, एक ब्लैक बुक भी आती है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आप ये जरूर पढ़े, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पढ़नी है, वोकैब पीछे क्या हुई है, प्रीवियस ईयर में क्या है, वो जरूर करनी है। अब मैं बात करता हूं एक पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, तो आपने वोकैब भी पढ़ ली, आपने ग्रामर भी कर ली, और आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हो रही है, अच्छे से हो रही है इन सब चीजों के बाद, तो अब आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। तो एग्जाम में मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, दूसरे जो मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा था, तो आपको प्रीवियस ईयर जरूर करना है, जरूर ही जरूर करना है। तो वही मैंने बताया, एमपी पब्लिकेशन की आती है, ऐसी किरण की आती है, कोई भी प्रीवियस ईयर आप देख सकते हैं कि मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बहुत फेमस किताब है, आप लोग जानते होंगे, इसमें प्रीवियस ईयर के भी अलग अलग एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम के एरर्स आए हुए हैं, तो आप ये जरूर प्रीवियस ईयर करो, ये बहुत जरूरी है। पर इसके साथ साथ मेरी बात, इस बात को ध्यान रखना कि रीडिंग जरूर करना। अगर आपने रीडिंग भी कर ली ना और आपको सेंस डेवलप हो गया, आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बता रहा हूं मैं आपको, जो इस बात को जिन्होंने अप्लाई किया होगा वो जानते होंगे। एक बार सेंस बदल गया ना, तो हो सकता है आपने थोड़ी ग्रामर भी कम पढ़ी है, पर आपको लैंग्वेज में कभी दिक्कत नहीं आ सकती। ये मेरी एक कॉपी है, आप लोग देख रहे होंगे, ये भी कॉपी है, ये इसको छोड़ू अगर मैं, इसमें मैंने पूरे वोकैब लिखी हुई है अपनी, और ये वोकैब कोई एक दिन में नहीं बनाई हुई, इसमें 2500 वर्ड है, ना कहीं से ऐसा है कि टीपी हुई है। जो भी वोकैब मैं कहीं जा रहा हूं रास्ते में, मैंने कोई बोर्ड पढ़ा, मुझे नहीं पता उसका वर्ड, तो मैंने आके इसमें लिखा, उसका मीनिंग जाना, अपनी लैंग्वेज में लिखा, अलग अलग टाइम से लिखा, 3-4 उसके मतलब लिखे, उसके एंटोनिम सिनोनिम्स लिखे, कोई मैंने मॉक दिया तो मॉक में मेरे को कोई वोकैब मिली, कोई मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, कोई मैं नॉवल पढ़ रहा हूं तो उसमें मुझे कोई वोकैब मिली, तो मैंने इसमें बहुत 1-1.5 साल की मेहनत के बाद मेरी वोकैब की कॉपी बनी है। अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा इसमें, जैसे आप देख रहे होंगे ये मेरी वोकैब की जो मैं आपको कॉपी दिखा रहा था, अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट करा हुआ है, अलग अलग इसमें जो भी इसके एंटोनिम सिनोनिम्स से साथ में लिखे हुए हैं आप लोग देख सकते हो, हिंदी में लिखा हुआ है मैंने, अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो जैसे आपको कन्वीनियंट हो, अलग अलग वर्ड मैंने हिंदी में भी लिखे हुए हैं, अलग अलग सिनोनिम एंटोनिम लिखे हुए हैं, ये देख सकते हो आप, थोड़ी अलग अलग पेन से लिखा हुआ, थोड़ा अलग से ही दिख जाए चीजें, यहाँ पे मैंने अलग अलग वर्ड्स का डिफरेंस क्या है कैसे लिखा हुआ है, एक दिन में नहीं बनाई, बहुत मेहनत से बनाई है, और अलग अलग जगह वर्ड्स मिले मुझे मॉक में, कहीं मैंने लिखा कोई न्यूज़पेपर के लिए, अगर मैं देखूं कि न्यूज़पेपर की मैंने अलग से वो कैब जो मुझे न्यूज़पेपर में मिलती थी मैं उन पेपर्स में लिख लेता था, ये मैंने चिट्स लगा रखी हैं। तो नोट्स आप भी ऐसे बनाओ, वो कैब पे जरूर ध्यान दो और आपको जरूर फायदा बनेगा। आप देखो तो इसमें मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, और ये कोई भी ऐसा नहीं है कि सब मैंने किसी किताब से या किसी से वो करे हूँ,
1400 के आसपास वर्ड्स हैं, पर सिनोनिम एंटोनिम मिला लो तो 2000 प्लस वर्ड्स हैं ये। स्टार्टिंग में भी काफी वर्ड्स ये सब मैंने लिखा हुआ है, तो ऐसे आप फॉलो करो। तो इस चीज का मैं ध्यान रखना, मैं हैंड रिटन नोट जरूर बनाऊ, एक वोकैब की अलग से अपनी मोटी सी कॉपी बनाना, जिसमें आप हर जगह से अलग अलग जगह से लिख सको। ऐसा नहीं है किसी प्रीवियसर से पढ़ रहे हो वो सेम आप उसे टीप रहे हो, वो तो आप किताब से ही पढ़ सकते हो, अपनी हैंड रिटन जो आपको अलग अलग जगह मिली हो प्रीवियस ईयर से अलग। इस बात को मैं बहुत दावे के साथ बता रहा हूँ, ये जो आप न्यूज पेपर जैसे मैं द हिंदू पढ़ता हूँ जनरली, स्टार्टिंग में मैंने दूसरे न्यूज पढ़ा था, धीरे धीरे थोड़ी वो हो गई थोड़ी इसमें लैंग्वेज। इस न्यूज़पेपर में आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसा वर्ड होता हो जो मैं ना जानता हूं। मैं इस बात पे ही नहीं कह रहा कि मेरी वोकैब बहुत अच्छी है, कुछ टाइम के बाद वोकैब सारी रिपीट होती है, इस बात का ध्यान रखना। इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश लैंग्वेज में 4.5 लाख प्लस वर्ड्स हैं, तो आपको 4.5 लाख नहीं जान ले, 3-4 हजार वर्ड में टोटल बता रहा हूं बहुत लंबे में, उसी में ही सारी लैंग्वेज घूमती रहती है, सारी बोल चालने की लिखने की सारी उसी में कवर होती है, मेरी बात को ध्यान रखना। तो इनमें भी वो क्या रिपीट होती है, अगर आपने सपोज करो 7-8 महीने न्यूज़पेपर रख लग के पढ़ लिया ना, तो आप कहोगे कि अब सारी वो क्या रिपीट होती है। अब ऐसा कोई नहीं है कि मुझे इक्की दुक्की आपको मिली तो मिली, तो इस बात का ध्यान रखना। रीडिंग स्किल्स अपनी जरूर इंप्रूव करो इंग्लिश की, जहां तक बात है ये आपको प्रीवियस ईयर तो करने करने और मॉक लगानी है, वो तो मैं कब से ही कहता हूँ मॉक लगानी है। मॉक में जो भी आपको वो क्या मिली, कुछ नई चीज मिली, आप नोट करो और इस चीज का जरूर ध्यान रखो। इस लैंग्वेज से डरना नहीं है, जितना डरोगे लैंग्वेज उतना ही डराएगी आपको। लैंग्वेज को सही से पढ़ो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, इंग्लिश में अपने दोस्तों के साथ कोशिश करो बोलने के लिए। स्टार्टिंग में कोई भी फ्लुएंटली नहीं बोल पाता था, अच्छे से बोल पाता, शायद मेरी भी उतनी फ्लुएंट नहीं है, बट धीरे धीरे कोशिश करोगे आपकी लैंग्वेज भी अच्छी होगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप जानते होंगे जो एनडीए सीडीएस और एफकेट और मिलिट्री सर्विसेज के जो एस्पायरेंट्स हैं एनएसवी में कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वहां पे आपकी चेक नहीं की जाती है कि आप इंग्लिश कितने नॉलेजेबल है। आप बोल सकते हो, अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हो, उसकी बात समझ सकते हो, उसमें जब लेक्चर एड भी होता है तो उसमें पता होता है टॉपिक पे आपको बोलना होता है 2-3 मिनट, तो बहुत ज्यादा आप कल को जॉब में भी आओगे, वहां पे भी आपकी अगर अच्छी हैंडराइटिंग होगी तो कल को आप ड्राफ्टिंग करोगे, हैंडराइटिंग करो अच्छी नॉलेज होगी, ड्राफ्टिंग करोगे नोटिंग करोगे तो क्रिस्प में आपको कैसे लिखना है, कम शब्दों में बिल्कुल टू द पॉइंट बात कैसे लिखनी है, या आपको ग्रामर पढ़ के नहीं आएगी कि आपने वो किताब पढ़ ली ग्रामर के रूट पढ़ लिए। ये जो आपकी रीडिंग स्किल्स होंगी ना, जो आपकी रीडिंग हैबिट्स होंगी, ये आपको उसमें मदद करेंगी। और फिर आप अपने ऑफिस में अलग से देखोगे, लोग कहेंगे ऐसे कितनी अच्छी जानकारी है, आप कहीं बोलोगे, आप इंग्लिश में वार्तालाप करोगे, तो उससे भी बहुत चीजें फर्क पड़ता है। ऑब्वियसली इस बात के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं कि किसी आदमी का टैलेंट स्किल इंग्लिश से जज करी जाए, हर आदमी का टैलेंट स्किल अलग हो सकती है, बट मेरा मानना यह है कि इंग्लिश एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तरह से पढ़ो कि आपका पेपर में तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर आ ही आए, आगे भी इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो तो बोलने चालने और लिखने में आपका अपर हैंड ही रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेन मेन बात सारी इंग्लिश की कर दी है, इसे फॉलो करो अच्छे से। और शायद और भी किताबें हों तो एक बात और मैं वो कैप के लिए बता दूं, एक वर्ड पावर मेड इजी बहुत फेमस किताब है, बहुत लोग जानते हैं, इसमें भी वो कैप काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी हुई, टेस्ट साइंस में अलग अलग है कहां से ओरिजिन हुआ वर्ड का, बहुत अच्छे से समझाइए, सब लोग जानते होंगे इसे, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो, वो क्या के लिए काफी अच्छी किताब है, मैंने भी पढ़ी है। और साथ साथ इंप्रूव करते रहो, रिवीजन करते रहो, मॉक जरूर लगाना इंग्लिश के, और इंग्लिश में मेरी ट्रस्ट SSC का जो आज के टाइम में लेवल चल रहा है, आप 92-95% से भी आप स्कोर कर सकते हो, और लोग करते भी हैं, कर भी रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो आप मुझे जरूर। मेरा मानना यह है कि आपको इस स्ट्रेटेजी से इंग्लिश में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।